पितरों के फोटो रखने से ना कोई दोष है ना कोई हानि है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की स्मृति, हमारे पिताजी ऐसे थे तो छोटे बच्चे भी समझ पाए कि हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादाजी ऐसे थे, तो वो एक केवल उसके लिए है। पहले तो फोटो नहीं होते थे, पितरों का आवाहन जो है वो फोटो वोटो में नहीं होता है, पितरों का आवाहन तो सूक्ष्म रूप में होता है। कुश की एक चट बनती, चट बोलते हैं उसको शास्त्र की भाषा में, कुश की ग्रंथि लगा करके और कुश में गठान लगाकर ग्रंथि लगाकर उसको पत्तल पर रख दिया जाता है या पटले पर रख दिया जाता है, वहां पितरों का आह्वान होता है। फोटो वोटो से कोई विशेष ले प्रयोजन नहीं है क्योंकि फोटो तो आजकल की व्यवस्था है। लेकिन यदि आपके घर में पितरों की फोटो है तो बैठक रूम में मत लगाइए, बैठक रूम में नहीं लगाना चाहिए, भगवान वाले कक्ष में भी नहीं लगाना चाहिए। तो आप कहेंगे फिर कहाँ लगाएं, कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ सबकी दृष्टि एकदम ना पड़े, भगवान की स्थान है वहाँ से भी थोड़ा अलग रखेंगे। हो सके तो पितरों को दक्षिण वाली दीवार पर लगाइए, जैसे कि पितरों का मुंह उत्तर को रहे तो दक्षिण वाली दीवार पर पितरों के फोटो आदि लगने चाहिए, क्योंकि पितृ लोग जो है वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में हम उनको प्रणाम करें तो हमारा मुख दक्षिण में रहे, हम उनको प्रसाद आदि लगाएं कुछ भोग लगाएं तो हमारा मुख दक्षिण में रहे। पितरों को हमेशा इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, कभी जैसे पितरों की पूजा कर रहे हैं आप तो हमेशा इस उंगली से ही तिलक लगाएं, इससे कभी ना लगाएं। ये जो उंगली है ये देवताओं को तिलक लगाने की है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसको हम अनामिका कहते हैं, अनामिका किसके लिए है, देवताओं के लिए, सब जानते हैं अनामिका से देवताओं को तिलक लगाया जाता है। ये जो तर्जनी उंगली कहलाती है, इस तर्जनी उंगली से हमें पितरों को तिलक लगाना चाहिए और स्वयं को तिलक लगाने में मध्यमा का प्रयोग करना चाहिए। किसी अतिथि को तिलक लगाना है तो आप अंगूठे का प्रयोग करिए, लेकिन ध्यान रहे अपने से बड़े को अंगूठे से कभी तिलक ना लगाएं। अपने से जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उनको हमेशा इस उंगली से ही मानी अनामिका से ही तिलक लगाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग गुरुजी की तिलक लगा रहे हैं, व्यास गादी पर आए और व्यासपीठ पर ब्राह्मण को तिलक कर रहे हैं तो अंगूठे से तिलक करते हैं। अंगूठे से यदि अपने से बड़े से हम अपने से बड़े व्यक्ति को अंगूठे से तिलक करते हैं तो बड़ा दोष लगता है, नहीं करना चाहिए। अपने से छोटे को या अतिथि को भी अंगूठे से कर सकते हैं। तो हमेशा अपने से पूज्य जनों को इस उंगली से ही लगाएं और पितरों को जब तिलक लगाएं तो इस उंगली से माने तर्जनी से लगाना है। साथ में ही पितरों को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लाल चंदन कभी नहीं लगाना है। लाल चंदन भले ही कोई सौभाग्यवती नारी की मृत्यु हुई हो तो लोग सोचते वो तो सुहागन गई थी तो उनको तो लाल वस्तुएं, लाल वस्तुएं चढ़ सकती है लेकिन तिलक लाल नहीं लग सकता। तिलक जो है उनको सफ़ेद, क्योंकि पितरों का वर्ण सफ़ेद है। पुष्प भी यदि चढ़ाने हैं तो सफ़ेद रंग के ही पुष्प पितरों को चढ़ाना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।